Hello students, I am Sumanthi Vithya. Here is your play, The Merchant of Venice by William Shakespeare. Here is the character sketch of Portia. There are four important characters from the exam point of view in this play. These are Shylock, Antonio, Portia and Bassanio. Okay? So these four character sketch are very very important. And this character sketch of Portia is also very important for the exam. So students, remember it. Here, 12 points are written here. First is introduction, her personality, beautiful lady, her loyalty, rich lady, simple and kind hearted, good daughter, generous lady, intelligent lady, rich sense of humor, loving wife and conclusion. These are 12 points. And exam में आप 12 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, main important points तो यही है. तो इन्हीं के बेस पे आप इनका character sketch पढ़ेंगे, लिखेंगे. इन्हीं को आपको डिटेल लिखना है, यानी कि आप पॉइंट्स क्या लीजिए इनको या हेडिंग क्या लीजिए, क्योंकि आप हेडिंग लिख करके तब करेक्टर स्केच लिखते हैं. ओके, रीड द करेक्टर स्केच. इंट्रोडक्शन, जिसे आप कहेंगे कि इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में है, पॉइंट ऑफ ये पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पोर्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पोर्सिया जो है शेक्सपियर का ये मोस्ट डिलाइटफुल क्रिएशन है, यानी कि बहुत ही खुशी देने वाला, बहुत ही अच्छा है. शी इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन दिस प्ले, और इस प्ले की वो मेन कैरेक्टर है, यानी कि हीरोइन एक तरीके से यू कैन सी. शी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, यस. शी हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट दैट मेक्स एन आइडियल वुमन. और क्या कह रही है कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज है ऑफ हेड एंड हार्ट. हेड मीन्स यानी कि इंटेलिजेंट भी है वो, दिमाग भी है उसके पास, एंड हार्ट का मतलब दिल की भी बहुत अच्छी है, यानी कि उसके अंदर एक आइडियल वुमेन की सारी क्वालिटीज है. नेक्स्ट, शी प्लेज द इम्पोर्टेंट शी प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले. और इस प्ले में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर. शी इज लव्ड एंड प्रेज्ड बाय ऑल, सब उसकी बहुत प्रेज करते हैं, उसको सब प्यार करते हैं. शी इज अ ब्यूटिफुल, नाइस एंड एजुकेटेड लेडी. तो क्या क्वालिटी बताई उन्होंने, ब्यूटीफुल भी है, नाइस भी है और एजुकेटेड लेडी भी है. शी हैज इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि वो इंटेलिजेंट भी है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है. सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स हेडिंग इज ऑल्सो रिच सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर का हंसी मजाक करने का उसका तरीका भी बहुत अच्छा है. पोर्सिया इज अ रिच लेडी, इज अ रिच लेडी, यस इट इज रिच लेडी. पोर्सिया इज अ रिच लेडी, हर फादर लेफ्ट हर ग्रेट वेल्थ. पोर्सिया जो है वो रिच लेडी है, उसके फादर उसके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं. शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर फादर, सो देर इज नन टू शेयर हर फादर प्रॉपर्टी. वो अपने फादर की इकलौती बेटी है और कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को शेयर करने वाला नहीं है. शी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, ब्यूटीफुल पैलेस में रहती है नेचुरली. शी इज अटेंडेड बाय अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स, और उस पैलेस में बहुत सारे सर्वेंट्स वगैरह हैं जो उसके काम करते हैं, जैसे महलों में होता है लाइक दिस. पोर्सिया इज अ वुमन ऑफ सिंपल हैबिट्स, यानी कि बहुत सिंपल हैबिट्स हैं उसकी, बहुत सिंपल लेडी है. शी इज मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स हम्बल, बहुत हम्बल है, बहुत ही विनम्र है. शी इज नॉट प्राउड ऑफ हर वेल्थ, उसे अपनी वेल्थ के भी प्राउड नहीं है, यानी कि उतनी रिच लेडी है उसका भी प्राउड नहीं करती है. शी सेज टू बसेनियो, और वो बसेनियो से कहती है, बट जनरली स्पीकिंग द होल ऑफ मी इज एन अनलेसन अनस्कूल्ड एंड अनप्रैक्टिस्ड गर्ल. तो क्या कहती है अपने को, अनलेसन यानी कि वो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपने को इतना इंटेलिजेंट मानती नहीं है, शो नहीं करती है. तो क्या, वो अपने को अनलेसन कहती है, अनस्कूल्ड कहती है, यानी कि नॉट लर्निड, कि मैं बहुत ज़्यादा लर्निड नहीं हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ ऐसे. एंड अनप्रैक्टिस गर्ल, अनप्रैक्टिस गर्ल क्यों कहती है उसको अपने को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, ये मानती है वो. Who is happy that she is neither too old nor too stupid to learn. और वो कहती है कि ना तो मेरी इतनी उम्र हुई है और ना मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि सीख नहीं सकती, यानी कि वो कहती है कि अभी भी मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है.
वो ये नहीं मानती कि मैं तो पूरी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बहुत लर्निड हूँ। नहीं, वो कह रही है कि अभी ना मेरी इतनी एज हुई है और ना ही मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं सीख नहीं सकती, इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ। ओके, पोर्सिया इज अ गुड डॉटर, यू कैन राइट दिस इन दिस गुड डॉटर, गुड डॉटर, यस पोर्सिया इज अ गुड डॉटर, पोर्सिया बहुत अच्छी बेटी है। शी हैज अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हर फादर विशेष, और अपने फादर के विशेष, हालांकि उसके फादर की डेथ हो गई है, फिर भी अपने फादर के विशेष के लिए वो बहुत रिगार्ड करती है। शी मैरिज अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल, और अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग ही वो मैरिज करती है। शी लव्स बसेनियो बट शी इज रेडी टू मैरी एनीवन हु चोजेस द राइट कैस्केट, वो बसेनियो से लव करती है लेकिन फिर भी वो हर उस पर्सन से तैयार है शादी करने के लिए जो सही कैस्केट का चुनाव करेगा, यानी कि सही कैस्केट सेलेक्ट करेगा उससे वो रेडी है अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल। शी डज नॉट टेल बसेनियो हाउ टू चूज, और यहाँ पर भी वो चाहे तो वो बसेनियो की हेल्प कर सकती थी कैस्केट को सेलेक्ट करने में, लेकिन वो बसेनियो की कोई हेल्प नहीं करती, बताती नहीं है उसको कुछ भी। शी सेज आई कुड टेल यू टू चूज राइटली, वो उससे कहती भी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ सही कैस्केट को चुनने में, तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट आई शुड देन ब्रेक माई ओथ, तो फिर मेरी कसम टूट जाएगी, मेरी ओथ टूट जाएगी, आई विल नेवर डू, और ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। मैनी रिनोन्ड शूटर्स केम टू विन हर हैंड, और बहुत ही फेमस शूटर्स आए थे, अलग अलग से प्रिंस आए थे उसको हैंड विन करने के लिए, यानी कि उससे शादी करने के लिए, बट शी रिमेन्स लॉयल फादर, लेकिन वो अपने फादर की विल के लिए लॉयल रही। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर वेल्थ पोर्सिया इज नॉट हैप्पी, अब इसमें क्या है कि इतनी वेल्दी होने के बावजूद भी, इतनी वेल्थ उसके पास होने के बावजूद भी पोर्सिया जो है खुश नहीं है। शी से टू नरिसा, और वो नरिसा से कहती भी है, ऑन माई वर्ड नरिसा आई एम वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड, तो कि नरिसा अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इस वर्ल्ड से ऊब चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। शी इज नॉट फ्री टू चूज हर ओन हस्बैंड, और उसका एक रीजन ये भी है कि वो अपना हस्बैंड चुनने के लिए फ्री नहीं है। शी इज बाउंड बाय हर फादर्स विल, कि वो अपने फादर की विल से बंधी हुई है, यानी कि वो किसी को लाइक भी करे, किसी से शादी करना भी चाहे तो कर नहीं सकती। शी सेज ओ मी द वर्ड चूज, वो कहती भी है ओ मेरे लिए ये वर्ड चूज, नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। आई मे नीदर चूज वन whom I might like, no refuse one whom I might dislike, क्या कहती है वहाँ पे कि ना तो मैं उस पर्सन को सेलेक्ट कर सकती हूँ जिसको मैं लाइक करती हूँ, और जिसको मैं डिसलाइक करती हूँ उसको मैं रिफ्यूज भी नहीं कर सकती, यानी कि उसको मैं मना भी नहीं कर सकती। पोर्सिया इज वेरी जनरस लेडी, जनरस लेडी, दिस पॉइंट जनरस लेडी, तो पोर्सिया इज वेरी जनरस लेडी। शी डज नॉट केयर मनी, वो मनी की भी केयर नहीं करती है। शी ऑफर्स अ लार्ज सम ऑफ मनी टू सेव द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड फ्रेंड, और वो बहुत बड़ा अमाउंट अपने दोस्त के, अपने हस्बैंड के दोस्त की लाइफ बचाने के लिए ऑफर करती है। शी सेज टू बसेनियो, और बसेनियो से कहती भी है वो, पे ही डेब्ट 20 times ओवर, कि जितना भी उसका डेब्ट है उसका 20 times अदा कर देना, 20 times पे कर देना, बिफोर सच अ डियर फ्रेंड ऑफ योर लॉसेस आर हेयर फॉर योर फॉल्ट, कि तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी गलती से कोई उसका बाल बांका भी करे, यानी कि जरा भी उसका नुकसान हो उससे पहले तुम 20 times अदा कर देना। पोर्सिया इज वेरी इंटेलिजेंट लेडी, ये इट इज क्लियर। शी डिसाइडेड हरसेल्फ एज अ लॉयर एंड गोइंग टू प्लीड द केस ऑफ एंटोनियो, और वो अपने को एडवोकेट के रूप में जाती है, वहाँ पे डिस्गाइजेस करती है, अपने को भेस बदलती है और कोर्ट में एंटोनियो के लिए प्लीड करती है, यानी कि उसका केस लड़ती है। बाय हर इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट शी सेव्ड द लाइफ ऑफ बसेनियो, और अपने इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट से, वहाँ पे जब मैंने आपको प्ले पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बहुत इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट करती है, वहाँ पे कहती है कि एक ड्रॉप भी ब्लड की नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह से उसने सारे आर्ग्यूमेंट्स किए और इस तरह से वो एंटोनियो की लाइफ को बचा लेती है। पोर्सिया हैज अ रिच सेंस ऑफ ह्यूमर, अब पोर्सिया की रिच सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत अच्छी तरीका है उसका हंसी मजाक करने का भी।
शी गिव द वेरी ह्यूमरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ हर शूटर्स। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब अलग अलग कंट्री से जो शूटर्स आते हैं, प्रिंस आते हैं, तो उनका भी वो बड़े मजेदार डिस्क्रिप्शन देती है। कह रहे ये तो घोड़े जैसा लग रहा है, ये तो उसके जैसा लग रहा है, तो बड़े मजेदार करके निरीशा और ये दोनों बातें करती हैं आपस में, तब भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वेरी क्लियरली सी टेक्स हर ड्रिंक फ्रॉम बसेनियो, और बड़ी चालाकी से वो बसेनियो से अपनी रिंग भी ले लेती है, जिसे रिंग एपिसोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार रिंग एपिसोड, तो रिंग एपिसोड में यही होता है कि वो किस तरह से नरिशा और बसेनियो, नरिशा और ये पोर्शिया अपने अपने हस्बैंड से रिंग ले लेती हैं, क्योंकि वो तो उन्हें पहचान नहीं पाते। एट बेलमोंट सी एक्सक्यूजेस बसेनियो बीइंग अनफेथफुल टू हर, और बेलमोंट में आकर के वो उस पर आरोप लगाती है अपने हस्बैंड पे, यानी कि बसेनियो पे, कि तुम तो अनफेथफुल हो, इट मीन्स कि तुम तो रिंग का ही दे आए। इस तरीके से द रिंग एपिसोड अम्यूजेज द ऑडियंस ग्रेटली। अब जो ये रिंग एपिसोड है, ये ऑडियंस का बहुत ही अम्यूजमेंट करते हैं, इनको बहुत मनोरंजन करते हैं। देखो पहले ये बात है कि प्ले जो है, पहले आप ये बात समझ लो कि प्ले जो है ये वास्तव में हम रीड करते हैं, ये रीड करने की चीज़ नहीं। प्ले क्या मतलब होता है कि उसको नाटक करना, और जिस समय प्ले करते हैं उसको नाटक करते हैं, तो उस समय ये रिंग एपिसोड जो है, जो ऑडियंस होते हैं, जो सामने देखने वाले हैं, उनका बड़ा अच्छा मनोरंजन किया इस रिंग एपिसोड ने, ये उस सेंस में कह रहा है। और ये आप जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं, पोर्शिया इज ए लेडी ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज, कि जो पोर्शिया के अंदर जो ऐसी क्वालिटीज हैं जो आसानी से मिलती नहीं है। शी इज ए ड्यूटीफुल डॉटर एंड लविंग वाइफ, वो एक ड्यूटीफुल डॉटर है और साथ में एक लविंग वाइफ भी है, यानी कि सारी क्वालिटीज है, शी हैज ऑल क्वालिटीज। शी इज सिंपल एंड काइंड हार्टेड, शी इज वाइज एंड इंटेलिजेंट। सो लाइक दिस ये जो कैरेक्टर स्केच है पोर्शिया का, ये कंप्लीट हो जाता है, और ये 12 पॉइंट्स लेकर के आपका बहुत अच्छा ये कैरेक्टर स्केच तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।